हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। अपनी दमदार आवाज, संवाद लेखन और बेमिसाल किरदार से हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमाने वाले इकलौते कादर खान जैसे लेजेंड कलाकार सदी में एक बार ही पैदा होते हैं। इनकी शख्सियत ऐसी थी कि जब इन्होंने कलम उठाया तो संवाद लेखनी में अमिताभ बच्चन और गोविंदा जैसे कलाकारों को सुपरस्टार बना दिया। जब इन्होंने पर्दे पर अभिनय किया तो सिनेमा जगत के कॉमेडी किंग बन गए, और जब इन्होंने डायलॉग बोला तो अपनी दमदार आवाज से उसमें जान फूंक दी। साल 1990, फिल्म अग्निपथ और इसका एक डायलॉग, विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। अमिताभ बच्चन के इस एक डायलॉग ने उन्हें बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया था, और इसे लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि लेजेंड कादर खान साहब है। रोटी, हिम्मत वाला, खून भरी मांग, अग्निपथ, कर्मा, सरफरोश, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, कूली नंबर वन, शोले, ऐसे ही लगभग 250 से भी ज्यादा फिल्मों में कादर खान ने डायलॉग लिखे, और इन डायलॉग्स को बोलकर जिन कलाकारों ने सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक अलग पहचान बनाई उसमें अमिताभ बच्चन, गोविंदा, दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर जैसे कलाकार शामिल हैं। ऐसे दिग्गजों के लिए कादर खान ने फिल्मों में डायलॉग लिखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा को ऐसा लेजेंड हीरा कैसे मिला? इस स्टोरी में हम आपको कादर खान के बारे में ही बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कादर खान कहाँ पैदा हुए, फिल्मों में उनका आना कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने अभिनय सीखा, और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अनबन कैसे हो गई। आपको बता दें कि कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1935 में काबुल अफगानिस्तान में हुआ था। उनके माता पिता उनके जन्म के बाद ही भारत में आ गए थे। कादर खान से पहले उनके परिवार में 3 बेटे हुए थे, लेकिन सभी का 8 वर्ष की उम्र तक ही निधन हो गया था। कादर खान जैसे ही पैदा हुए तो उनकी माँ डर गई थी कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान से भारत आने का फैसला किया और मुंबई के धारावी में आकर बस गई। बस यहीं से उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। कादर खान जब 1 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर में फाके पड़ने लगे। गरीबी का ये आलम था कि एक मस्जिद पर जाकर वो भीख मांगने लगे। उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी। कादर खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि हफ्ते में 3 दिन वे और उनकी माँ खाली पेट ही सोते थे। उनकी माँ को पता था कि उनकी गरीबी और भूख को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो है शिक्षा। कादर खान को भी पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीबी में खाली पेट रहते हुए ही सही कादर खान ने पढ़ना लिखना भी जारी रखा। इसके अलावा कादर खान को बचपन से ही दूसरों की नकल करने का शौक था। जब वो नमाज पढ़ने जाते तो कब्रिस्तान में बैठकर फिल्मी डायलॉग्स बोला करते थे। एक दिन की बात है, ऐसे ही वे कब्रिस्तान जाकर डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अशरफ खान नाम के एक शख्स की नजर उन पर पड़ी, जिसने उन्हें नाटक करने की सलाह दी और वे अभिनय सीखने और नाटक करने लगे। चूंकि कादर खान को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक था तो उन्होंने म्युनिसिपल स्कूल में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, फिर इस्माइल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया। उर्दू और फारसी जुबान पर उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। फिल्मी दुनिया में आने से पहले वे कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी करते थे। एक बार की बात है, कादर खान कॉलेज के सालाना फंक्शन में परफॉर्म कर रहे थे और इत्तेफाक से दिलीप कुमार साहब,
चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पहुंचे थे। तभी दिलीप साहब की नजर कादर खान पर पड़ी और कहते हैं ना कि असल हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। कादर खान की एक्टिंग देखकर दिलीप साहब काफी प्रभावित हुए और कादर खान को अपनी आने वाली फिल्म सगीना के लिए साइन कर लिया। बस इसी के साथ कादर खान ने हिंदी सिनेमा जगत में अपना पहला कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कादर खान चूंकि काफी पढ़े लिखे थे इसलिए हिंदी सिनेमा के वे ऑलराउंडर बन गए। पटकथा लेखन, संवाद लेखन के साथ साथ अपने अभिनय के अंदाज से सभी के दिलों पर राज करने लगे। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, 250 से भी ज्यादा फिल्मों में संवाद लिखे और फिल्म निर्माता मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ बहुत सी फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर उनका सहयोग भी किया। और आज के दौर के महानायक अमिताभ बच्चन की 22 फिल्मों के लिए कादर खान ने संवाद लिखे। एक लेखक और अभिनेता के तौर पर कादर खान की शख्सियत को एक छोटे से वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। कादर खान की जिंदगी से जुड़ी ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे। उन्हीं रोचक कहानियों में एक हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि अग्निपथ के एक डायलॉग ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन बना दिया था और इस डायलॉग को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि कादर खान ही हैं। कादर खान और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया, उनकी दोस्ती भी बहुत गहरी थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि एक छोटी सी अनबन ने दोनों की दोस्ती में फूट डाल दिया। जी हाँ, कहा जाता है कि कादर खान ने अमिताभ बच्चन को सरजी नहीं कहा था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती टूट गई। दरअसल एक इंटरव्यू में कादर खान ने कहा था, अमिताभ बच्चन के साथ मेरा जुड़ाव खून पसीना और मनमोहन देसाई की परवरिश से शुरू हुआ। हम अब भी कभी कभार फोन पर बात करते हैं, लेकिन बीच में हमारे रिश्तों में खटास आ गई थी। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ऐसा क्यों हुआ। अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा था, मैं हमेशा उसे अमित कहकर बुलाता था, लेकिन एक दिन जब मैंने उसे अमित कहा तो उसे अच्छा नहीं लगा। दक्षिण भारत के एक निर्माता ने मुझसे पूछा, आप सरजी को मिला? मैंने पूछा, कौन सरजी? वो चौंक गया और बोला, सरजी तुमको नहीं मालूम, अमिताभ बच्चन। मैंने उसे कहा, मैं उसे अमित कहता हूँ, वो एक दोस्त है। इस पर उसने कहा, नहीं, अब से हमेशा सरजी बोलना, अमित नहीं बोलना, वो एक बहुत बड़ा आदमी है। इसी बीच अमिताभ हमारी तरफ आ रहे थे और उन्होंने सोचा कि बाकी सभी की तरह ही मैं भी उन्हें सरजी कहूंगा, जो मैंने नहीं कहा। बस उसी दिन के बाद से हमारी कभी बात नहीं हुई। खैर, कादर खान ने बतौर अभिनेता, कॉमेडियन और राइटर बॉलीवुड को अपनी जिंदगी के 45 साल दिए और आखिर में बढ़ती उम्र के साथ उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। अपने आखिरी दिनों में कई महीनों तक वे बीमार रहे, अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा और आखिरकार 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कनाडा के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया और इस तरह से हिंदी सिनेमा ने एक लेजेंड कलाकार को खो दिया। तो ये थी कादर खान की जिंदगी से जुड़ी एक रोचक कहानी। वैसे कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप कमेंट करके जरूर बताएं।